इसका वेरिएशन है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश पांडे अपने यूट्यूब चैनल म्यूजिक स्टूडेंट में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने कहा था कि जल्द ही मेरा तीसरा वीडियो आएगा, तो ये मेरा आज का तीसरा वीडियो है, इस सीरीज का तीसरा वीडियो है हमारा। और इसमें मैं बताने वाला हूँ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पैटर्न, एलपी पैटर्न जिसको कहते हैं इंडस्ट्री में। हम आगे वीडियो में बढ़ें उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे कहना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल सके, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक कर दें। क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं वीडियो, कमेंट करते हैं, तो उससे मुझे बहुत बल मिलता है, मुझे आत्मविश्वास मिलता है और मैं आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता हूं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अपना कमेंट करें, कुछ नहीं तो हेलो ही लिख दें तो मुझे अच्छा लगेगा। और मैं आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियो लाऊँगा और आप 3 से 4 महीने में अच्छी ढोलक बजाने लगेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जैसा कि आज की वीडियो का हमारा टाइटल है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एलपी पैटर्न, ढोलक का तीसरा ठेका। तो ढोलक का तीसरा ठेका मतलब ये तीसरे टाइप की फिंगरिंग होगी। मैं जितने भी पैटर्न आगे बताऊंगा उसमें फिंगरिंग भी चेंज होगी, यह बात बहुत समझने की बात है। इस ठेके में फिंगरिंग भी चेंज है। और जो मेरा चौथा वीडियो होगा उसमें मैं नया टाइप का स्टाइल फिंगरिंग बताऊंगा आपको, वो हमारा ढोलक का चौथा ठेका होगा। उस वीडियो को जरूर देखना है आपको, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, बेल आइकॉन को दबाना बहुत ज़रूरी है, वीडियो को शेयर करना भी ज़रूरी है ताकि हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैले और मुझे बल मिले। वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं चलता हूँ अपने वीडियो की तरफ। तो इस ठेके की जो फिंगरिंग होगी वो आप पहले देख लीजिए। यह ठेका की फिंगरिंग थोड़ा अलग है। और देखिए, जैसा कि मैंने बताया, अभी जो पैटर्न है हमारे सारे छल्ला से साथ चालू हो रहे हैं, यह पैटर्न भी छल्ला के साथ ही चालू होगा। इसका काउंटिंग गहरवा ताल है इसलिए वही रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसको बजाना है 1, छल्ला आएगा पहले 2, ये नई चीज है। इस बार हमारा यहां पर काउंटिंग आ रहा है 1 2 3 4। अभी तक हमने ये स्ट्रोक बजाना नहीं सीखा था, इसलिए इसको आप समझिए, गौर से देखिए वीडियो को। छल्ला आ रहा है 1 2 3 4, अब हमारा किनारा है 4 पे, चौथे नंबर पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक बार और स्लो बताता हूं, आप लोग कहते हैं कि स्लो नहीं बताता, इसलिए और स्लो बताता हूं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको धीरे धीरे फास्ट करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, काउंटिंग करते जाइए। ऐसा हाथ सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, बस इसको 10 मिनट 15 मिनट ऐसा बजाइए 1 2, हल्का सा इसको फेंकना है हाथ को, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फास्ट करेंगे, एक बार पूरा पैटर्न एक बार बजा के दिखाता हूं आपको कैसा लगता है ये। देखिए, एक छोटा सा पिकअप लेता हूं, ता की टे ता की टे ता तक। पिकअप मैं अभी नहीं सिखा रहा हूँ आपको, पिकअप के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे पिकअप आपको बताऊंगा। और वो पिकअप सारे जितने पैटर्न मैं सिखा रहा हूँ कहरवा ताल के, वो सब जगह उस पर अप्लाई होगा, सब जगह वो पिकअप बजेंगे।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 वही हमारा चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 ये छल्ला हमारा ऐसा चल रहा है, आपको मैंने ही बताया। बायां के साथ उसको बजाएंगे एक बार छल्ला, फिर से आप देख लीजिए, बहुत जरूरी चीज़ है ये, जल्दी से आगे वीडियो बढ़ जाएंगे बाद में दिक्कत हो जाएगा, भूल जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इसके पहले हमने बहुत सारे अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें बहुत सारे गानों के ऊपर मैंने बजाया हुआ है और आपको सिखाया है, बताया है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, पुरानी वीडियो जितनी है आप सारी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट ढोलक का अलग है, तबले का अलग है, कांगो का अलग है, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो मैंने बजाया है आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। तो चैनल पर ज़रूर विजिट करिए अगर आप नए हैं, तो जो पुराने लोग हैं उन्हें सारा कुछ मालूम है। तो चलते हैं हम अपने LP पैटर्न की तरफ। तो ठेका चल रहा है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 इसको आप मेट्रोनम लगा के प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छा होगा। मैं हर वीडियो में अपने बताता हूँ कि मेट्रोनम लगा के प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ये मंत्र है समझिए आप। उस मंत्र के साथ जितना आप जपेंगे, जितना करेंगे, उतना आपकी लय परफेक्ट होगी। आपको सिंगर कोई भी ऐसा हाथ दिखा नहीं सकता है, ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि आपकी लय परफेक्ट है। आप कभी भी रिकॉर्डिंग में जाएंगे, किसी भी बड़े से बड़े आर्टिस्ट के साथ बजाएंगे, आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है, भाई लय पकड़ ले, लय से नहीं है तेरी, लय ऐसा नहीं हो रहा है, ये सब सुनना ही नहीं कभी। आप मेहनत करते हैं, क्यों सुनना, लय भाग रहा है, किसका लय भाग रहा है भाई, तुम्हारा लय तुम देखो, कुछ लय नहीं भाग रहा है, जरा ठीक से गाओ, देख मैं बजा रहा हूँ मेट्रोनम में, ये सर्टिफिकेट है बहुत बड़ा मेट्रोनम, जिसने मेट्रोनम में बजा लिया उसको कोई सिंगर नहीं बोल सकता है। अगर कभी बोलेगा तो आप मेरे पास लेके आना, फिर मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 हाथ को बिल्कुल स्मूथ हल्का हाथ करके एकदम, आपको देखिए हाथ का कैसा मेरा हाथ जा रहा है, उसको एकदम इजीली छोड़ना है, कोई हाथ को ज्यादा ऐसा टाइट कड़क नहीं करना है, ऐसा कड़क नहीं करना है हाथ को, कोई फैलाना नहीं है उंगली को, ऐसा फैला रहे हैं ऐसा फैला रहे हैं, कुछ नहीं, एकदम इस हाथ को लूज रखना है, हाथ को फिंगर हमें बाउंस होते रहना चाहिए ऐसा। 1 2 3 4 ये देखिए कोई टाइट नहीं कर रहा हूँ मैं हाथ को, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 इजी। लेफ्ट हैंड पे आएंगे, चूंकि कहरवा ताल है हमारा, वही 1 और 7 पे ही बायां लगने वाला है, थोड़ा हम इसको खूबसूरत करने के लिए कुछ टेक्निक मैं आपको बताऊंगा और कुछ तरीका बताऊंगा। इसमें दो तरह के बायां बजते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम जो है इसमें जो इसके ऊपर मेन जो बायां बजता है उसको मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए बायां देखते हैं। अब ये हमारा जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 पहले साउंड, पहले वन पे बायां हल्का दब रहा है अंदर की तरफ, 1 2 3 4 गौर से सुनिए, और हो सके तो आप हेडफोन का इस्तेमाल करें या बड़े स्पीकर को, ये सब ढोलक के ठेकों को सुने, ताकि आपको प्रॉपर साउंड पता चले कि क्या बज रहा है। और मोबाइल में तो समझ ही नहीं आएगा, अगर मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर एक अच्छा हेडफोन ज़रूर आप रखें, ताकि आपको ढोलक का जो बायां है वो सुनाई पड़े। अब बायां नहीं सुनाई पड़ रहा है, खाली वीडियो देख रहे हैं टाइम पास, कोई मतलब नहीं होता उसका, आप सीखने के लिए बैठे, वीडियो देखने के लिए नहीं बैठे, वीडियो देखना है तो फिर बहुत कुछ है देखने के लिए, आप सीखने बैठे। हमेशा मानसिकता ये रखिए कि मुझे सीखना है, आज वीडियो से मुझे सीखना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है। खाली वीडियो देख लिया, वीडियो डाउनलोड कर लिया, रख दिया कंप्यूटर में, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, बाद में प्रैक्टिस करेंगे। हर वीडियो को आप खाली देखेंगे तो सीखेंगे कब, प्रैक्टिस कब करेंगे? वीडियो देखना नहीं है, सीखना है, इसीलिए प्रैक्टिस के भी उतना ध्यान देना है। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा रखना है हाथ को। ऐसा क्यों रखना है? जब हम अगर हाथ को ऐसा रखेंगे, ये होता है ढोलक का या के, कुछ भी हम इसको कह सकते हैं, तो ऐसा हमको नहीं रख करना है,
हमको सिर्फ हाथ को ऐसा रखना है, 1 2 3 4 4 ऐसा कर देना, क्योंकि जब यह पैटर्न फास्ट में बजता है, तेज़ी स्पीड में बजेगा, तो ऐसा कर पाना मुश्किल होता है और जल्दी जल्दी हाथ अब ऐसा नहीं हो पाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंटिंग करना है उसको। और ढोलक की बाएं की मैं बहुत अच्छी एक्सरसाइज आपको बताऊंगा, 100% बाएं आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वीडियो में आपको हर वीडियो देखना है, इस वीडियो में बाएं का टेक्निक मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, हो सकता है इस टॉपिक से मैं इधर उधर चला जाऊं। बाएं को प्रैक्टिस करना है, 1 2 इसको थोड़ा घिसना है, 1 2 खींचना है बाएं को, 1 में आगे 2 में पीछे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 मेट्रोनोम भी लगा के आप ऐसा बजा सकते हैं। मेन क्या, आपका शोल्डर, आपका ये, आपके रिस्ट, यहाँ पर मूवमेंट आएगा, वेट आएगा, इसलिए ऐसा करना है। आप 5 मिनट 10 मिनट जब एक्सरसाइज आप ढोलक बजाने बैठे, आप 5 मिनट पहले इसको कर लें, उसके बाद आपका जो पुराना लेसन है उसको करें, नया लेसन फिर करें। सारा टाइम टेबल मैं आपको बता दूंगा कि ढोलक कैसे बजाना चाहिए, ढोलक को प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए। हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको मैं ऐसी ढोलक बजाने के अलावा जो ढोलक से रिलेटेड जानकारियां हैं वो मैं आपको दूंगा। हर वीडियो आप देखिए, अपनी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई या आपको क्या जानना है, तो अच्छा होगा, ऐसे सिलसिला चलता रहेगा और आप बहुत अच्छी ढोलक बजाने लगेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और दूसरी बात, बहुत लोग ऐसे कहते हैं मेरा हाथ ऐसा नहीं होता है, कुछ पैटर्न से बचते हैं हमारे जिनको हम बजाते हैं, अब पिकअप है, लेकिन ये पिकअप बजाना ऐसे फील के साथ मुश्किल है। नया बिगनर जो लोग होते हैं उसके लिए एक्सरसाइज होता है कि अभी से आप इसकी प्रैक्टिस करें। तो क्या प्रैक्टिस करना है वो देखिए, इसको बोलिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हाथ को ऐसा ऐसा करना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 काउंटिंग के साथ, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बाएं की बहुत सारी एक्सरसाइज मैंने ढोलक का बायां एक वीडियो है मेरे चैनल पर, उस पर बहुत सारी मैंने एक्सरसाइज बताई थी, आप उस वीडियो को वहां से जरूर देखिए, तो आपका बाएं बिल्कुल बहुत अच्छा बजने लगेगा। वो वीडियो को देखिए, सारी एक ही वीडियो में सारी बातें बता पाना बहुत मुश्किल होता है, आपको समझाना भी है, ढोलक का पैटर्न जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर फोकस करना तो थोड़ा मुश्किल होता है। आप पुरानी वीडियो भी देखिए, चैनल पे विजिट करिए, बहुत सारी वीडियो अपलोडेड हैं, आप उनको देखिए, वहाँ पर कमेंट्स करिए मैंने ये वीडियो देखी है, अच्छा लगेगा। तो इस पैटर्न का जो बायां चल रहा है अब मैं उसके ऊपर आता हूँ, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 इस तरफ वही चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 बस बाएं की तरफ थोड़ा सा टफ है, जैसे जैसे आप आगे सीढ़ी चलते जाएंगे तो नया लेसन आएंगे। अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं आप तो आप वो सीढ़ी चढ़ जाएंगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते सिर्फ वीडियो देखते हैं तो वो पैटर्न आपको नहीं बजेगा। अगर आपसे पैटर्न नहीं बज रहा है तो आप समझ जाइए कि आप वीडियो देखते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप वीडियो देखते हैं या बजाते हैं। हाँ, ऑनलाइन सपोर्ट अगर आप मेरे से चाहते हैं आप मुझे फ़ोन करिए, मैं ऑनलाइन सपोर्ट आपको दूंगा, मैं उस समय आपको बताऊंगा कि आप वीडियो देखते हैं या प्रैक्टिस करते हैं। तो वीडियो नहीं देखना है, प्रैक्टिस करना है।
7 को लाउड मारना है जरा, पैटर्न को थोड़ा फास्ट करके दिखा रहा हूं। अगर यह पैटर्न बजाना अगर आपको आ गया तो आपने फिल्म इंडस्ट्री के कम से कम नहीं तो 50% गानों में आपने बजा लिया। ये कहरवा ताल का बहुत ही महत्वपूर्ण ठेका है और इसी ठेके के मैं और भी वेरिएशन बताऊंगा। जैसे मैंने आपको कहा पहले मैं फिंगरिंग सेट कर रहा हूँ आपकी, ठीक है। अब ये मेरा तीसरा वीडियो है जिसके ऊपर मैंने आपको एक अलग स्टाइल का फिंगरिंग बताया। इसके वेरिएशन जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसका एक वेरिएशन मैं आपको बजा के दिखाता हूँ, आप देखिए ये उसका वेरिएशन है। ऐसे में और भी वेरिएशन, हर ठेके का वेरिएशन बताऊंगा आपको। इसका वेरिएशन है, अब मैं इसके ऊपर आता हूं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरफ वही चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 पहले साउंड पहले वन पे बायां हल्का दब रहा है अंदर की तरफ। तो दोस्तों ढोलक के तीसरे वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें और वीडियो को शेयर कर दें। अब हम मिलते हैं अपने ढोलक के चौथे वीडियो पे जिसमें हम सीखेंगे एक नए टाइप की फिंगरिंग, नए टाइप के बोल और नए टाइप का बायां भी। और जो लोगों ने हमारे चैनल पे विजिट नहीं किया वो प्लीज़ हमारे चैनल पे विजिट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।